एमपी के नीमच मनासा थाना पुलिस कर्मियों की ज्यादती से परेशान होकर युवक बबलू बागरी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने थाने के सामने मनासा रामपुरा मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। साथ ही परिजनों द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की और परिजनों को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी की जा रही है। पीड़ित परिजनों के साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सागर कछावा, मनीष पोरवाल एवं पार्षद प्रतिनिधि दिनेश राठौर आदि जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कार्यवाही की मांग की। दो चार पाँच दिन में बुलाते थे, फिर मारपीट करते थे, मेरे से बोल रहा भैया। अभी दो चार दिन पहले बोला भैया मेरे को पुलिस वाले बहुत मारे, मैं मर जाऊंगा। केस को चार दिन से लगातार परेशान किया जा रहा था, इतना प्रताड़ित हो गया, इतना प्रताड़ित हो गया, इनको सतपास करना पड़ी। और यहाँ का पुलिस थाना केवल और केवल तोड़ बट्टे का ठिकाना, तस्करों का थाना हो गया। इस गरीब परिवार को आखिरकार मौत दिलाना पड़ी। यहाँ की पुलिस चार दिन से लगातार परेशान कर रही है और इस लाश को एक घंटा हो गया, यहाँ का कोई भी जवाबदार अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आया है। कुल मिला के भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हमारी मांग है चारों पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और 50 लाख रुपए इस परिवार को सहायता मिले, यही मांग बात है। जो जानकारी में आया है बबलू वेयर हाउस पे हमाली का काम करता है और सब्जी का ठेला लगाता है और हमाली का ठेला भी लगाता है, हमाली का काम भी करता है। इस बेचारे को पिछले 6 महीने से 7 महीने से पुलिस परेशान कर रही है। पता नहीं कि किसी लड़की के भगने का मामला है, कोई ले गया है, कह रहा है कि तेरा मित्र है वो। इस प्रकार से इसको रोज प्रताड़ित करते हैं और ये परेशान हो गया। दीपावली के 2-3 दिन पहले सुरेश भाई और सागर भाई ने थाने पे बात करके इसको छुड़वाया था। दीपावली के पहले वो दिन भी बिठा लिया था। उसके बाद कल परसों फिर इसको लाए और इसको लगभग 12-13 घंटे या थाने पे रखा, इसको टॉर्चर किया और ये प्रताड़ित होकर इसने आत्महत्या कर ली है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, बूढ़ी दादी है, उसकी सेवा करने वाला व्यक्ति है। मनासा का थाना अत्याचार का अड्डा बन चुका है। कोई अंकुश पुलिस के ऊपर नहीं है, केवल लोगों को दबाने का काम चल रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।